नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। तो आज मैं आपके साथ आलू बैंगन की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से एकदम टेस्टी मज़ेदार सब्जी बनके तैयार हो जाती है। ये एकदम नई स्टाइल से मैं बना रही हूँ, तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं दो आलू और दो बैंगन, दोनों मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं। तो पहले हम बैंगन को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे, आलू को भी हम बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो पहले बैंगन को हम पानी में काट कर रखते जाएंगे, क्योंकि अगर हम बैंगन को पानी में नहीं रखेंगे तो वो काले पड़ जाएंगे और इसका टेस्ट है वो भी कड़वा हो जाएगा। तो जब भी हम बैंगन को काटें तब इसे तुरंत ही हमें पानी में डाल देना है। तो यहाँ मैंने पानी भर के रखा है, उसमें हम काट के सीधे ही बैंगन को पानी में डाल देंगे, जिससे कि ये काले न पड़े। तो इसी तरीके से सभी बैंगन को काट कर बड़े टुकड़ों में काट कर हमें पानी में रख देना है। अब हम आलू के छिलके को उतार लेंगे और उसके भी बड़े बड़े टुकड़े इस तरह से करके पानी में डाल देंगे। कटे हुए आलू और बैंगन के टुकड़ों को कुकर में रख कर हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें आधा ग्लास ही इसमें पानी ऐड करना है और कुकर को बंद करके एक विसल आने तक हमें इसे पकने देना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, सिर्फ एक ही विसल कुकर में आने देनी है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन में लिया है दो बड़े चम्मच जितना मूंगफली का तेल, उसमें मैंने दो लौंग और एक तेजपत्ता डाल दिया है। अब हम इसमें एक चम्मच राई ऐड करेंगे, उसको अच्छे से तड़कने देंगे। फिर एक चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, उसको भी हम अच्छे से तड़कने देंगे। फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे चलाना है। अदरक और जो लहसुन है उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, उसे हमें थोड़ी देर के लिए इस तरह से चलाकर पकने देना है। अब हम इसमें बड़े टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टमाटर को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर ले लिया है। थोड़ा सा हम इसे इस तरह से चलाएंगे और पकने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नरम नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे अधपका ही अभी पकने देना है। इसके ऊपर अब हम मसाले डालेंगे। तो मसालों में पहले तो हम एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, मूंगफली और तिल का दरदरा पाउडर ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स और इसे एक मिनट तक हम पकने देंगे। मूंगफली और तिल का पाउडर डालने से इसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अगर आप इस तरीके से एक बार सब्ज़ी बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सब्ज़ी बनके तैयार होती है। स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स करके आधा मिनट तक हम इसे पकने देंगे। हमने कुकर में एक सीटी करके जो आलू और बैंगन के टुकड़ों को पकाया है उसे अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू अच्छे से पक चुके हैं और बैंगन भी नरम हो चुके हैं। पानी समेत हमें इसे इसमें मसालों में डाल देना है। थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अगर आप चीनी इसमें ऐड करना नहीं चाहते तो गुड़ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें इमली का यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जो तेल है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। थोड़ा सा धनिया पत्ता इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। दिखने में भी एकदम मज़ेदार सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। अगर आप इस तरीके से आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। आपको इसे बार बार बनाने का मन होगा। आप अपने घर पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जय हिंद।